तो बुलडोजर मतलब मुसलमानों पर बुलडोजर चलता है तो खुश हो जाते हैं? मुसलमानों पे नहीं चल रहा है, जो अत्याचार कर रहे हैं उनके ऊपर चल रहा है। किसके किसके ऊपर? भ्रष्टाचार के ऊपर चल रहा है। साधु संतों पे गोली चल जाए वो सही है। किसने चलाया? मुलायम सरकार ने चलाया था। मेन मुद्दा देखिए, शिक्षा, रोजगार और संविधान बचाने का मेन मुद्दा है। मेन जो है, जो इसके समर्थन में होगा, जो इसको बचा पाएगा, हम लोग उसी को वोट करेंगे। 5वें दौर की वोटिंग जारी है। मैं इस समय अयोध्या में हूँ। पूरे देश की नज़र अयोध्या पर है कि अयोध्या में बीजेपी का क्या होगा। और क्योंकि अयोध्या ही वो जगह है जहाँ से बीजेपी ने 2 सीटों से 300 का सफ़र तय किया है। राम मंदिर ने उसे पूरे देश में वोट दिलाया है। क्या 2022 के विधानसभा चुनाव में योगी जी को वोट पड़ेगा कि नहीं? लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर है कि जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो तो बीजेपी के साथ बने हुए हैं, लेकिन पिछली बार 2017 में, 2019 में, 2014 में ओबीसी के लोगों ने, शेड्यूल कास्ट के लोगों ने जो वोट किया था, क्या वो वोट बैंक बीजेपी के साथ है या नहीं है? ये सबसे बड़ा फैक्टर है। ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या नाम कटा है, जो खबरें चल रही है कि नाम जिस तरह से कट रहा है। पहले क्या नाम है आपका? अजय तिवारी। तिवारी जी, कितनी सीटें जीत रहे हैं आप लोग अयोध्या से? 350 350 सीटें जीतेंगे, 5 की 5 सीट जीतेंगे बीजेपी। तो क्या क्या अच्छा लगता है आपको योगी जी का काम? योगी जी का सारा काम अच्छा लगता है। बुलडोजर का काम अच्छा लगता है और आतंकवाद का काम अच्छा लगता है। ये सड़क कब से नहीं बनी है? सड़क तो काम चल रहा है ना, जिसे तमाम सड़कें बन रही हैं। आप बताइए, सड़क कितने साल पहले बनी है, सो बताइए बस। ये सड़कें 5 साल पहले बनी थी। 5 साल पहले बनी हाँ। थी। तो बुलडोजर मतलब मुसलमानों पर बुलडोजर चलता है तो खुश हो जाते हैं? मुसलमानों पे नहीं चल रहा है, जो अत्याचार कर रहे हैं उनके ऊपर चल रहा है। किसके किसके ऊपर चल रहा है? भ्रष्टाचार के ऊपर चल रहा है। कौन? दो चार नाम बताइए ना, हम तो बता देंगे। अतीक अहमद पर बुलडोजर चला है, मुख्तार अंसारी चला, मुताक अंसारी। और मुसलमानों के अलावा किस पर चला है? क्यों नहीं चला है बताइए, एक दो नाम बताइए। अरे बहुत से नाम है, आप लोगों को पता होगा, आप न्यूज के रिपोर्टर हैं, आपको तो पता ही होगा। अरे अच्छा, तो विकास दुबे का इनकाउंटर हो गया, बिना कोर्ट गए हुए खुश है उससे? क्यों नहीं, जब अत्याचार करेगा तो 8-8 अधिकारी वो भी पंडित थे। आपका क्या नाम है? सुरेश सिंह। सुरेश सिंह जी, एक बात बताइए, कल आप पर कोई आरोप लगा दे कि आपने मेरा पैसा छीन लिया है, तो पुलिस है, कोर्ट है, कचहरी है, कि सीधे आपको गोली से उड़ा दिया जाए? नहीं, जैसे 8-8 अधिकारी गए जवान, वो गलत है उनको, लेकिन इस देश में नियम कानून तो है ना कि कोई आके। अच्छा एक बताइए, एक मिश्रा जी बड़ा अधिकारी थे, उनका इनकाउंटर कर दिया पुलिस ने, ठीक था भाई? अगर वो भ्रष्ट रहे होंगे तभी तो मतलब कोर्ट कचहरी की जरूरत नहीं है, ठोक दो है? बीजेपी शासन है, इसमें ठोक दो तो ये ठीक है? ठीक है। क्या नाम है आपका? के सिंह। जो नहीं, गलत करेगा उसके लिए मतलब ठोको, ठीक चलेगा। नाम बता दीजिए। है मेरा नाम सतनाम सिंह है, और जो है बाबू साहब है जी। हाँ। सही बात तो यह है कि जो गलत कार्य करता है हाँ। उसके खिलाफ योगी सरकार गलत मतलब काम करती तो है। अंकल जी, कोर्ट कचहरी है, न्याय फैसला है, जज है। सुनिए, जब एफ आई आर होता है तब कोर्ट कचहरी का काम होता है, और जब जहाँ की एफ आई आर नहीं हो रही है तो आदमी गलत काम कर रहा है। पुलिस तय कर देगा कि किसको ठोकना है, कौन सही है कौन गलत है? पुलिस पे हमला करना अच्छी बात है? नहीं नहीं नहीं, तो कोर्ट तय करेगा ना कि किसने हमला किया। सुनिए, क्या पुलिस को जो है कोर्ट किसी हम हमला कर दें पुलिस पे हाँ। तो ये कोर्ट तय करेगा? मान लीजिए पुलिस ही सब कुछ करे, कोर्ट बंद कर दें, ताला लगा दें। प्रशासनिक अधिकारियों का अपमान नहीं होना चाहिए। नहीं, ताला लगवा दें। कहाँ ताला लगवा दें? एक अभी पुलिस वाला एक बीजेपी का कार्यकर्ता था मिश्रा जी, उन्होंने एक पुलिस वाले को 3-4 थप्पड़ मारा हाँ। तो क्या पुलिस को उसको ठोक देना चाहिए? नहीं, जो है अगर मिश्रा जी ने मारा पुलिस को हाँ। तो गलत किया, ये नहीं करना तो चाहिए। तो उसका कानूनी प्रक्रिया है ना, सजा होगी? बिल्कुल। क्या खुशी दुबे जेल में है, बड़ा मुद्दा है, लोग कह रहा है कि ठाकुर जी लोगों ने पंडित जी पर बहुत अत्याचार किया। अभी सतीश चंद मिश्रा कह रहे थे, बीजेपी में जो मिश्रा लोग थे वो कह रहे थे कि पंडितों की बहुत बहुत इनकाउंटर हो गया ब्राह्मणों का। कहाँ इनकाउंटर हुआ है, कौन सा इनकाउंटर हुआ है? खुशी दुबे जेल में है। खुशी दुबे जेल में है तो कौन है खुशी दुबे? वो तो बेचारा किसी ड्राइवर की पत्नी थी। ड्राइवर की पत्नी थी? कैसे ड्राइवर की पत्नी थी, वो भी अत्याचारी थे? जो मारा गया हो कोई शरीफ ब्राह्मण, एक एप्पल का सीईओ जिनको, अरे बता तो रहा हूँ, एप्पल के सीईओ थे, रात में पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया, बाद में योगी जी उनके घर गए, उनकी पत्नी से माफी मांगे, 1 करोड़ का हर्जाना दिया, जान लौट जाएगी? नहीं, जान तो नहीं लौटेंगी। गुप्ता जी का गोरखपुर में होटल में जाके पुलिस वालों ने जान मार दिया, फिर योगी जी वहाँ जाके माफी मांगे? नहीं, माफी कहाँ मांगे,
माफी क्यों मांगे? हरजाना देने का मतलब वही होता है, हरजाना तो सबको देना पड़ता है। आठ वाले सरकार का नहीं है, काम ही देना है, सरकार का काम है सरकार का, मतलब गोली मार दीजिए बिना कोर्ट कचहरी के। कोई अपराधी कोई जात नहीं होती है, अपराधी कहे चाहे जो जात का हो, जात नहीं होती, अपराधी तो कोर्ट तय करता है। अच्छा साधु संतों पे गोली चल जाए वो सही है? अरे किसी साधु संतों पे गोली चल जाए वो सही है? इसने चलाया, मुलायम सरकार ने चलाया था, कब की बात बोल रहे हैं? जब चली थी आप लोगों ने सब में चली थी। तो राम मंदिर का अभी भी चुनाव में मुद्दा है? क्यों नहीं मुद्दा है? चलिए हाँ तो हम समझ गए, 500 वर्ष से मंदिर का मुद्दा था, जो मोदी सरकार ने बनवा दिया इसलिए हम लोग उसको वोट कर रहे हैं। चलिए तो ये बीजेपी का पक्ष है, बीजेपी के जो पूर्ववर्ती में बनने जा रही है, एकदम ठीक है। मैं भी चाह रहा हूँ कि सरकार बने 300 के पार, मैं भी कह रहा हूँ सरकार तो बनेगी 10 मार्च के, सरकार भाजपा की बनेगी, भाजपा की। हाँ योगी बाबा की मिठाई खिलाएंगे ना? जी 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 बिल्कुल, हम लोग फिर अयोध्या आएंगे और मिठाई भी खाएंगे। अब चुनाव वोटिंग हो रहा है, अब धैर्य रखिए। अभी तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, सड़क 5 साल से नहीं बनी है, लेकिन जो बीजेपी के समर्थक है उनके लिए जो मुद्दा है, मैं फिर कह रहा हूँ हम लोग वोटर हैं। हो गया ना, चश्मा लगा के बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा हाँ, कि चश्मा लगा के पार्टी आम वोटर है, हम लोग वोटर हैं। नाम वोट कर रहे हैं, गुड्डू मिश्रा मेरा नाम है, गुड्डू मिश्रा जी हैं। चलिए तो ये वोटर हैं और ये बीजेपी को, मैं फिर कह रहा हूँ कि अभी भी राम मंदिर का मुद्दा जो है वो सवर्ण समाज उसको मान रहा है, ठाकुर साहब। चलिए अभी बात कर लेते हैं ना, रुके ना, आपसे क्या नाम है? शैलेंद्र रावत। क्या मुद्दा है आप लोग के लिए? आप सिजुल का से हैं? जी जी। तो है राम मंदिर मुद्दा है आप लोग के लिए? नहीं, मेन मुद्दा देखिए शिक्षा रोजगार और संविधान बचाने का मेन मुद्दा है। मेन जो है, जो इसके समर्थन में होगा, जो इसको बचा पाएगा, हम लोग उसी को वोट करेंगे। तो शिड्यूल कास्ट तो बहन जी को वोट दे रहे हैं? नहीं, इस बार तो कुल मिला के सारे लोग यूनाइट होके समाजवादी को वोट देने जा रहे हैं। बहन जी को छोड़ दिए आप लोग? नहीं बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों को मेन मुद्दा है शिक्षा रोजगार और संविधान बचाना। अभी तो अमित शाह कह रहे हैं, अमित शाह कह रहे थे कि मायावती जी को वोट दे रहा है सबसे उनका। जी जी, संविधान में नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, सारे लोग यूनाइट होके जो है समाजवादी के साथ हैं। आप लोग सुने हैं, बोले हैं तो दूसरे को बोले। जी जी, सपा के साथ क्या नाम है आपका? जी रामूलाल। तो आप कहाँ, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बन रही है? इस बार सपा की सरकार बनेगी। तो लोग तो यहाँ योगी जी मंदिर बनवा दिए, धर्म बचाना है कि नहीं? मंदिर नहीं, धर्म तो धर्म हमारा है, लेकिन धर्म के साथ साथ जो है विकास ही होना चाहिए और लोगों का जो मंदिर है, मंदिर से ज़्यादा जरूरी स्कूल है, मंदिर से ज़्यादा स्कूल जरूरी है। काहे? क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो बहन जी का सपोर्ट कर रहे हैं ना शेड्यूल कास्ट? नहीं, हम लोग समाजवादी का सपोर्ट। अरे ताऊ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीन प्रसाद। बोलिए, घबराइए मत। नवीन प्रसाद है। तो क्या लग रहा है इस बार क्या वोटिंग होगी? वोटिंग अब भाई देखो, ये तो सरकार है, है? मन मर्जी करे जो मर्जी करे। तो अभी भी देखिए जो जो एससी राम मंदिर का रहेगा फैसला, तो राम मंदिर का ये झगड़ा राजनीति लेकर चलती ही रहेगी। राम मंदिर पर राजनीति हो रही है? मुद्दा वो यही बनेगा, राम मंदिर का मुद्दा ही खत्म हो जाएगा अगर ये झगड़ा ही खत्म हो जाएगा, बन जाए मंदिर। बन गया, क्या बन गया अभी? सिलाई रखी हुई है, क्या बन गए अभी? आप बोलने नहीं दे रहे, ये ठीक नहीं है, बोलने दीजिए। क्या नाम है आपका? हरिराम। हरिराम जी, क्या 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 लग रहा है, किसकी सरकार चाह रहे हैं आप? कौन सरकार आवे भैया, चाहे जो नावे जो नावे। हाँ हाँ, चलिए। तो स्कूल कॉलेज राम मंदिर से खुश है ना? हाँ हाँ, खुश है, एकदम ठीक है। तो ये देखिए अभी भी जो जो वो तबका जो शोषित वंचित समाज से, वो अभी वोकल नहीं है, उसको इसी गांव समाज में रहना है तो वो एक लोक लाज की सीमा रखता है। इस देश में जो रसूख है वो जाति के हिसाब से आती है। अगर आप सवर्ण हैं, आप मिश्रा जी हैं, पांडे जी हैं, ठाकुर जी हैं, तो आप जोर से बोल सकते हैं, लेकिन कोई एससी एसटी ओबीसी है तो वो उसको थोड़ा आगे पीछे दाएँ बाएँ सब सोचना पड़ता है। चीज़ें बदल भी रही है धीरे धीरे और जरूरत है। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार यादव। हैं? राजेश कुमार यादव। तो क्या लग रहा है कि आप लोग अखिलेश जी के साथ हो गए, योगी जी को छोड़ दिए? नहीं, छोड़ कोई नहीं दिया है, लेकिन तो आपको मंदिर दिया, आप लोग हिंदू हैं, अभी वो कह रहे हैं कि हम काशी सजाएंगे, आप लोग उसको बीच में छोड़ रहे हैं? नहीं, मंदिर दिया है, उसमें पूजा होगी, हम लोग भी आस्था रखते हैं, भगवान में आस्था रखते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वोट नहीं दीजिए। लेकिन उसके साथ साथ विकास विकास का मुद्दा जो है, पढ़ाई लिखाई का मुद्दा है, वो भी है। तो अखिलेश तो नकली हिंदू हैं? नहीं, तो वो तो आप कुछ भी कह सकते हैं। आप योगी जी ने मंदिर बना दिया काशी में, देखिए कितना शानदार कर दिया, आप स्कूल के चक्कर में पड़े हैं। नहीं नहीं, तो नकली हिंदू तो मान लो, ओरिजिनल हिंदू जो होगा होगा, हम तो जानते हैं हिंदू हिंदू हैं सभी लोग, चाहे वो ब्राह्मण को जो वोट नहीं दे रहा है वो नकली हिंदू है। अब कुछ भी सोचे लोग,
लोग कुछ भी सोचे, लेकिन ऐसा है कि इस बार सपा की सरकार वोट देना से जिसका मर्जी जहाँ पर दे इसका जो ये संविधान वाली बात कर दी आप। क्या नाम है आपका? नमी प्रसाद हमारा नाम है। हम तो ये कहेंगे वोट जिसको मर्जी दे जिसका, कोई दबाव तो नहीं रहता है। हमें दबाव कौन सा दौर था इस देश में, डेमोक्रेसी आई और बहुत मेहनत किया लोगों ने, बहुत कुर्बानियाँ हैं, उसके बाद वोट डालने का अधिकार मिला। अब स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि लोग कम से कम बूथ तक पहुँच रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। और ये क्या सपा वालों का है क्या ये पोलिंग एजेंट? सबका है, सबका सबका है। क्या नाम है? विकास तिवारी। तो तिवारी जी आप क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? बीजेपी, बीजेपी आएगी बिल्कुल। बाबा जी आए, नौकरी मिली कि नहीं? देखिए कोविड काल में इस तरीके से जो भुखमरी या सारी चीज़ें हुई हैं उसमें नौकरी का तो कोई चांस ही नहीं बनता। अभी इलाहाबाद में पुलिस वाले घेर घेर के नौकरी दे रहे थे छात्रों को, आप थे कि नहीं? आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं देखा आपने वीडियो? नहीं। अरे पुलिस वाले जो प्रयागराज में नौकरी दे रहे थे, किस विभाग में? अरे भाई साहब आपने देखा ही नहीं, पकड़ पकड़ के नौकरी दिए छात्रों को। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार यादव सर। अशोक कुमार यादव। ये बढ़िया, ये दोस्ती होनी चाहिए देश में। देखिए पांडे जी और यादव जी हैं एक ही जगह बैठ के काम कर रहे हैं, ये जरूरी है इस देश में, ये फैब्रिक है। कब तक आप धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ेंगे? इससे देश कमजोर होगा और पता चला कि आपकी हालत यूक्रेन वाली हो जाएगी। हम सबको भाईचारे की ज़रूरत है, क्योंकि बगल में चाइना नाम का डायनासोर जो है वो मुंह बाय खड़ा है। इस देश में जब तक लोग जाति और धर्म से ऊपर उठकर विज्ञान देश को मजबूत नहीं करेंगे, आप यकीन मानिए चाइना पड़ोस में है, बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। हाँ यादव जी क्या लग रहा है, क्या करते हैं आप? जी सर इस टाइम में तो हम प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। प्राइवेट जॉब? जी सर। तो क्या लग रहा है इस बार राम मंदिर का मुद्दा चलेगा कि नहीं? बिल्कुल चलेगा। हैं बीजेपी की बल्ले बल्ले हैं? जी सर। चलिए ये तो यादव जी एक निकले हैं और मेरी तो धारणा ही बदल गई है। और क्या नाम है? रमाकांत तिवारी। तिवारी जी क्या लग रहा है यहाँ? भाजपा। तो यहाँ तिवारी बहुल गांव है? नहीं सब कास्ट के हैं। तो योगी जी को क्यों पसंद करते हैं? राम मंदिर बनवा दिए इसीलिए? हर काम जो है अच्छा किया इसीलिए। स्कूल बना? हाँ। कहाँ बना ये देखिए? नया स्कूल? नया स्कूल वो है सर। कहाँ नया स्कूल है? ये तो कितना साल पहले का स्कूल लग रहा है, झूठ ना बोलिए। नहीं तो ये सोसाइटी है सर। ना ही सोसाइटी है। खाली मुसलमानों से नफरत के नाम पर बीजेपी को वोट कर देंगे? नहीं जो कार्य करेगा उसी को देंगे। तो चलिए यहाँ सवर्ण बहुल इलाका है और ये तमाम लोग तो आपको दिखा रहे, कुछ और लोग हैं आम लोग हैं उनसे बात करते हैं। क्योंकि लोग घेरा लगा दिए हैं तो लोग तो बात करेंगे नहीं, डर सहम के भी लोग जाते हैं। आए आप लोग वोट डाल लिए? वोटे नहीं है नाम में? हैं क्या नाम है भाई साहब? राजेश कुमार। तो क्या लग रहा है इस बार क्या होगा यूपी में? अब तो 10 के बाद लगेगा क्या होगा, अंदाजा तो होगा? अंदाजा तो सब चल रहा है। डर लग रहा है बात का? नहीं कहीं कोई कौन कह रहा है, कौन कह रहा है नहीं बोलना है। हम समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। क्या नाम है चाचा जी? राम नरेश। हैं वोट डाल लिए? राम नरेश नहीं। हाँ राम नरेश जी वोट डाले कि नहीं? अभी नहीं। तो डालाइए पहले पर्ची देखी आधार। हो शक है कि पर बहुत लोगों का नाम भी कट गया? हाँ नाम नहीं जाए बहुत जगह। हाँ कितना नाम कटा है? हो अरे लगभग हमारे गांव का 300-400 वोट कटा है। अच्छा बूथ वाइज नाम कट गया है लोगों? जी जी ये बड़ी समस्या है। क्या नाम है सर आपका? श्री प्रकाश शुक्ला। शुक्ला जी नाम कटने वाली बड़ी समस्या है? हाँ ये बेलू की वजह से समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। अब बताइए नाम ही कट गया लोगों का, कितना आपके बूथ पर लगभग कितना नाम कट गया है? बहुत ज़्यादा कटा, लगभग 15% लोगों का नाम कटा। हाँ छः आदमी में तीन जने का हवा है, तीन के नहीं आवा, नाम ही नहीं आवा। क्या नाम है आपका? सरजू प्रसाद। तो सरजू प्रसाद मतलब ओबीसी हैं कि शेड्यूल कास्ट हैं? गुप्ता ओबीसी। हाँ तो आपके घर में तीन का नाम ही नहीं आया? नहीं आया। बताइए तो ये तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, ये बड़ी समस्या है बिहार यूपी में। मैं लगातार घूम रहा हूँ और नाम बहुत ज़्यादा कटा है। चुनाव आयोग की जो पूरी जो विश्वसनीयता है वो खतरे में, हर बूथ से इसी तरह की रिपोर्टिंग मिल रही है। हैं 40% वोट कटा। तो कितना बूथ है यहाँ, कितना वोटर हैं आप लोग के यहाँ? यहाँ लगभग 8-8 हज़ार वोटर हैं। 8 हज़ार? 8 हज़ार। ये पंचायत में, पूरे पंचायत में कितना बूथ है? आप सभा में, पूरे ग्राम सभा में कितना बूथ है आपके? यहाँ 5 बूथ है और 3 बूथ वहाँ है बरसिंडी में। 8 बूथ? हाँ। तो 8 बूथ पर लगभग कितना वोट कट गया होगा? लगभग 2-3 हज़ार वोट कटे हैं।
और जो लोग हैं प्रेजेंट हैं जी जी, नाम गायब है जी जी। ये देखिए, एक एक पंचायत की बात कह रहा हूँ, 12,000 की आबादी है और लगभग मिश्रा शुक्ला जी कह रहे हैं 3,000 वोट कट गया है। चुनाव आयोग की पूरी विश्वसनीयता खतरे में है कि कैसे काम हुआ है, बीएलओ पर जिम्मेदारी डाली जा रही है और ये स्थिति है। खैर, वोटिंग हो रही है और एक सौहार्द है, मतलब बहुत ज़्यादा टेंस नहीं है जैसे पहले होता था। ये ठाकुर बहुल गांव है या ब्राह्मण समाज के लोग ज़्यादा हैं? सब मिक्स तो नहीं होगा, आप लोग की संख्या ज़्यादा होगी? नहीं नहीं, ठाकुर की ज़्यादा। अरे इतना देखने से लग जाता है, हम लोग जापान से थोड़ी आए, हम भी इसी समाज से। नहीं नहीं, यहाँ सारे सब जात के लोग यहाँ पे हैं। अब यहाँ इस गाँव में एक भी घर ठाकुर नहीं है, ठाकुर बहुल है, एक भी ठाकुर नहीं है इस गाँव में। बगल गांव में ठाकुर है, इस गांव में तो मुस्लिम बहुत हैं। क्या हरिंदर जी, आप शेड्यूल कास्ट लोग ज्यादा हैं क्या यहाँ? कौन लोग ओबीसी ज्यादा है, यादव लोग? नहीं नहीं, यहाँ पे मिक्स है। इस ग्राम सभा में, पूरा ग्राम सभा में जो है सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट के लोग हैं और फिर बैकवर्ड। भाई साहब हमको मिल गए थे, रास्ता नहीं था, हम कहे गाँव में ढूंढ रहे थे कहीं बूथ मिल जाए। तो क्या लग रहा है आपको, मतलब क्या 8,000 में सबसे ज्यादा कौन, किस कम्युनिटी के लोग ज्यादा हैं? 8,000 में सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट के हैं, फिर पिछड़ी जात के हैं। यहाँ शेड्यूल कास्ट ज्यादा है? हाँ, शेड्यूल कास्ट ज्यादा। अच्छा, उसके बाद पिछड़ी जाति, फिर पिछड़ी जाति है। बाबू साहब लोग और ब्राह्मण लोग ये जो है 40% है। तो अभी आप लोग चुनाव जीता रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं? क्या नाम है? पवन कुमार सिंह मेरा नाम है। ठाकुर बाबा ने वोट नहीं जीता था, हरजन वोट से जीता था। महीना में दो बार राशन पाते हैं, तेल नमक पाते हैं। वो लोग खेत चढ़ गया सारा, उनका चढ़ गया, खेत ही ना हुए उनके जज का चढ़ गया। दलितों के पास तो खेत नहीं है, सही है नहीं, जगह खेत ना हुए। आप लोगों को गाय से प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोदी जी ने कहा है 10 मार्च के बाद सरकार बनेगी। सुने, मोदी जी ने कहा 10 मार्च के बाद सरकार बनेगी, हर घर हर गांव में गाय लेते हैं, गाय का दूध गाल लेते हैं, उसके बाद उस गाय को हम ही लोग तो छोड़ रहे हैं। कौन छोड़ रहा है? हम ही लोग तो छोड़ रहे हैं, योगी मोदी। तो गाय क्या, गाय पर तो बैन हो गया ना खरीद बेचने। योगी जी ने कटान खाली रोक दिए है, कटान रोके। बूढ़ी गाय कौन पालेगा, आप लोग के घर पर बनवा दे? बूढ़ी गाय रखेगी, क्यों नहीं रखे? हम रखे हैं ना, छोड़े नहीं गाय। कितनी गाय आपके पास? हमारी गाय 4 गाय है, तो चारों बिना दूध वाला गाय है? दूध वाली है, और वो अपने घर पर जाओ हमेशा। गाय सरकार यहाँ गाय पाल रही है की दूध है हमारे पास? चलो दिखा दे, बिना गाय की दूध है? योगी जी ने बिना दूध वाली गाय है? हाँ, बिना गाय की दूध है। अरे बिना गाय की दूध नहीं, बिना दूध वाली गाय। उसको तो सरकार को दे रही है अनुदान? सरकार अनुदान से नहीं मतलब हमें। अरे दे रही है कि नहीं? अनुदान दे रही है, 6,000 रुपया महीने दे, सालाना दे। ताली बजाइए, बहुत बड़े गौ भक्त है। जय श्री राम पर आपका पेटेंट है क्या? हाँ, पेटेंट है। आप ही का सिर्फ जय श्री राम? हाँ, पूरा पूरी ग्राम सभा का है, 350 के पास। अच्छा, मान लीजिए मैं जय श्री राम नहीं बोलता हूँ तो मार देंगे? हम क्यों मारेंगे यहाँ? सो ये बार बार शो क्यों करते हैं? जय श्री राम नारा आप जैसे बता रहे हैं, जय श्री राम नारा जय श्री राम नारा इस समय नहीं लगाएंगे, लेकिन जब कोई कष्ट पड़ता है तो भगवान राम आता है। जय श्री राम बड़ा कष्ट हो गया, किसी को अल्लाह भी याद आता होगा, किसी को ये क्या बात हो गई? अरे किसी को अल्लाह याद आता होगा, किसी को जीजस याद आता होगा, ये कैसे? किसी को बुद्ध याद आता होगा, ये क्या बात हो रही है? जो अल्लाह वाले हैं वो नहीं कहें या अल्लाह। तो मिला जुला के ठाकुर साहब बाबू साहब लोग राम के नाम पर वोट कर रहे हैं? राम के नाम पर, मंदिर के नाम पर, यही है ना, राम के नाम पर। बाकी चीज पेंडिंग है, स्कूल कॉलेज अस्पताल सब देख लेंगे। विकास पर भी है, शिक्षा पर भी है, मनोरंजन पर भी है, स्वास्थ्य पर भी है, सड़कों पर भी है, सारी जगह पर वोट कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सड़कवा बताइए कब बना? ये सड़कवा हर ये ओवरलोडिंग से पैचिंग से बार भी हम तो अभी तो देख रहे हैं ना, अभी देख रहे हैं। ये दिखाइए भाई, ये देखिए, यादव लोग हैं, नाली बहाली हैं। अच्छा, आपका नाली कहाँ बहता है? आपका नाली कहाँ बहता है? यादव का नाली सड़क पर, आपका कहाँ बहता है? हमारा किनारे घर है। अरे तो आप लोग पास जमीन है, जायदाद है, इंतजाम कर लिए होंगे? यहाँ तक बनवा लिए हैं, घर पीछे तो सोखता नहीं। हम बोल दे रहे हैं, इन लोगों के सामने बोल दे रहे हैं, सवर्ण समाज के जो लोग हैं वो मजबूती से बीजेपी के साथ बने हुए हैं। क्या बोल रहे हैं आप? सारे लोग हमारे साथ हैं, सारे लोग, सबका साथ सबका विकास। जो आदमी यहाँ चश्मा लगा के खड़ा जिस पार्टी से वो बोल रहा है, ये जबरदस्त। अभी अभी मैं बुलवा दूंगा, यादव जी को हाथ खड़ा करवाइए। कितना यादव है? हाँ हाँ हाँ, ये डर से अभी बेचारे बोल देंगे, आप लोग घेरे हुए हैं। ये हरजन है,
तो चलिए ये यादव ये चुनाव का माहौल है, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो सवर्ण समाज के लोग हैं उनकी भागीदारी बहुत ज़्यादा है, वो वोकल भी हैं, वो अपनी बात रखना जानते हैं। लेकिन राम मंदिर का जो मुद्दा है वो हिट होता है कि नहीं, उस पर वोट होता है कि नहीं, ये 10 मार्च को आपको पता चल जाएगा। बाकी और ग्रामीण इलाकों में चलेंगे, आपको दिखाएंगे। तो ये तस्वीरें दिखा रहा था अयोध्या से। हम लोग इस बार विशेष पड़ताल कर रहे हैं कि एससी एसटी और ओबीसी के जो लोग हैं क्या वो राम के नाम पर वोट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कैमरा नासिस के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, अयोध्या ना, अयोध्या यूपी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।